नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के भवरकुआ थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने अपने ही घर में अपना खुद का गला रेत कर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फ्लैट से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए एमवाई अस्पताल पहुंचाया है। वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मृतक का नाम संदीप पिता संत चौक से निवासी जानकी नगर है, जो क्षेत्र में ही रहता था और क्षेत्र में ही एक खुद का प्रसिद्ध जेल रेस्टोरेंट संचालित करता था। बताया जा रहा है कि दो दिन पूर्व पत्नी इसे छोड़कर चली गई थी और एक माह पहले ही इसकी शादी हुई थी, उसी से आहत होकर इसने ये कदम उठाया है। पुलिस को तलाशी में एक सुसाइड नोट भी मिला है जो उसने अपनी पत्नी के नाम लिखा है, जिसमें उसने अपनी पत्नी को सॉरी लिखा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई अस्पताल भिजवा दिया है। वहीं परिजन के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ये थाना भौकुआ में कल एक रेस्टोरेंट संचालक की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। मर्ग कायम करके उसमें जाँच हो रही है। मृतक के गले में घाव है, उसके हाथ में चाकू मिला है और जो परिस्थितियाँ थी उससे ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि वो कमरा बंद करके उसने आत्महत्या की है। बाकी उसमें वास्तविकता क्या है, कैसे क्या क्या हुआ है, सारी चीज़ें जो है वो मर्ग की पूरी जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। सर, कुछ इंदर सामने कर्ज था या कुछ अन्य समस्या? अभी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ पारिवारिक विवाद की चीज़ें सामने आई हैं, जिस पर अभी हम लोग विवेचना कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं, उसके बाद से ही स्पष्ट हो पाएगा। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।